वालेकुम। नई दिन के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन आई दख्त हाजिर है। जैसे अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा, कल थी हमने छोटी सी मेहंदी की रस्म, ढोलकी के लिए मेहंदी कह लें जो कह लें घर में की थी, और आज इंशाल्लाह निकाह होना है। और बस परेशानी से सुबह का मोबाइल तो मैंने उठाया नहीं, चार्जिंग लगाया, मैंने कहा फुल चार्जिंग हो ताकि वहाँ पर मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। तो बस मैं थोड़ी कपड़े पहन लिए, अभी पार्लर जाना है, यहाँ से पहले मैं जाऊँगी, मैं रेडी होके फिर हॉल में पहुँचूँगी, फिर इफ्रा इंशा जो भी जाएंगे। ये जनाबी अभी तैयार नहीं हुए हैं, इन जनाबों को, फिर इन जनाबों को तैयार कौन करेगा, मैं चली जाऊँगी तो चलें जी। पहुंच गए पार्लर, अब सारे लेट ही पहुंचे पर पहुंच गए। हाँ जी, क्या गलत बन जाती पर वो यूट्यूब पर नहीं लगती। कैसी लग रही हूँ मैं जी? तो इफ्रा मुझे रेड हिजाब कर रही है और मुझे इमोशनल झटके भी आ रहे हैं। और आप सेकंड टाइम में किसी से तैयार हुई? मुझसे पार्लर से फर्स्ट टाइम हुई हूँ, तो एक दफ़ा पहले किसी से तैयार हुई थी। वाली चीज़ थोड़ी बहुत आगे ले आई हुई है, आज इतना मेकअप किया थोड़ी सी पीछे आगे करो ना, इसे क्या पीछे घुसा रही हूँ। तो जनाब हो गई हूँ मैं रेडी, बस अभी निकलना है, आपने मुझे बताना है मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो खुद मेकअप में अपना आप अच्छा नहीं लगता। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। तो आपने भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और इफ्रा अभी तैयार होगी, हम निकलेंगे, इफ्रा की पप्पू आ रही हैं, उनकी गाड़ी में हम निकलते हैं, इफ्रा बाद में जाएगी। हाँ, मेरे लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर को पता मैं क्या करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद होटल में जाके। तो मैं जा रही हूँ होटल, स्पीकर देखे अपनी झोली में रख के, मुश्किल से पिछले वाली सीट पर स्पीकर आते हुए, तो उसका इसी तरह इसको लाना पड़ेगा। तो ये स्पीकर जा रहा है, हाँ कैरी रखते सब। तो अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ, बच्चे उधर ही हैं तैयार हो रहे हैं, हम पहले जा रहे हैं ताकि अरेंजमेंट वगैरह सारी चेक कर सकें। तो शीशा कितना गंदा। पहुंच गई हूँ होटल में, मैं पहले आई हूँ, मैंने कहा देखें सही है जेट सो से होता हूँ उससे सोफा। जनाब ये स्टेज, ये बीच वाला स्टेज और ये मेन स्टेज। अभी बजो दुल्हन बनेगी। हाँ अभी किसी की बजो दुल्हन बनेगी है। रामीन, रामीन आई है, जुतियाँ किधर है रामीन की?
आवाज आ रही है आपको? आपका निकाह मशहूर अहमद अब्बासी बिन अब्दुल लतीफ अब्बासी लतीफ अब्बासी के साथ सात हुक्म शरीफ के बेव जमात किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से इसकी इजाज़त है? आपने रूबरू इन गवाहों के साथ शरीफ के बैस शुमार 2,00,000 रुपये के इफ्ता हफीज को आपके निकाह पे कबूल किया। आपने इफ्ता हफीज को बिल के अतर हफीज जो अतर हफीज साहब की बेटी है साथ में शरीफ के बैस शुमार निकाह पे कबूल किया। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل على لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا मम्मी ने मम्मा के रोते वीडियो बनाना नहीं चाहिए ना तो क्यों ना वीडियो हमारा लड़का बैंक में काम करता है, उसको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है। पचास और हजार देखे हम अपनी तरफ से ज्यादा ऊपर चले गए। चंदा वो गड्ढा कर रही है किसी को दोनों मेरा टाइम माफी सर भी हो जाए एक मिनट के।
क्लैपिंग एक दूसरे को खिलाएंगे तो आखिर पे मैं आप सबके साथ ये अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर रही हूँ, हमारी कुछ छोटी मोटी यादें। मैं जानती हूँ मुझसे इतना अच्छा व्लॉग नहीं बना क्योंकि मैं इमोशनली बहुत इस वक्त ख़ुद को कमज़ोर फील कर रही थी। एक तो ज़ाहिर मेरी बेटी की शादी थी, ऊपर से मैं बिज़ी भी थी और मेरे लिए बहुत ही कमज़ोर लम्हा था ये वाला। अपने जो प्यारे हमें छोड़ गए हैं उनकी यादें, उनके बिना ये सारा कुछ अरेंज करना और एक खलासा, देखें मैं मानती हूँ सब है लेकिन उनकी जगह हमारे लिए कोई नहीं ले सकता। ये दो शख्सियत है, इनकी कमी हमेशा हमारी ज़िंदगियों में मौजूद रहेगी। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है उसने इतना कुछ करने की हिम्मत दी और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप सभी दुआओं की दरख्वास्त है, माशाल्लाह कहिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए, इफ्रा के लिए, कि अल्लाह उसके आने वाली सारी मुश्किलें आसान करे। मेरे बच्चों ने बहुत सब्र किया है और बहुत दुख देखे हैं लेकिन आगे अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बस